यस आनंद देख रहा है उसी गाड़ी को, और यहाँ आनंद की गाड़ी उधर उसका काम चल रहा है। गुड मॉर्निंग फ्रॉम बिलासपुर एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गाइज, इट्स ट्रैवल विद चिकू। एंड कल हम लोगों ने सरचू से जो स्टार्ट किया था डे, सो सरचू टिल मनाली क्रॉस ओवर्स थे, तो उसमें से हम लोगों ने कैसे कैसे वी कुड मैनेज एंड देन फिर हमको थोड़ा रास्ता अच्छा मिला, सो वी स्ट्रेच टिल बिलासपुर। मैं आपको दिखा रहा हूँ जहाँ पे हम लोगों ने कल स्टे किया था, उसका मैंने बेसिकली आपको रूम दिखाया था कैसा क्या था, बट यहाँ का बाहर का आउटडोर सीनरी दिखाता हूँ। सो दिस इज़ द सीनरी, ये पूरा यहाँ पे शिमला ही है, सो इट्स इन लाइक काइंड ऑफ मिड शिमला। तो यहाँ से अभी जो शिमला है, शिमला अप्रॉक्सीमेटली कुछ 50 किलोमीटर्स पे है, सो विल अभी नेक्स्ट आवर में विल क्रॉस शिमला एंड देन विल एंटर इन चंडीगढ़ जाप। सो काइंड ऑफ आज का डे स्टार्ट हो गया अपना, और अपने को अभी सब जाके गाड़ी को लोड करना है, और ब्रेकफास्ट अपन भारी करने वाले क्योंकि अपने अपना सबका टाइम नहीं है। सो अभी निकलते हैं यहाँ से और बाकी सब बातें अपन बाइक पर करते हैं। सी यू देयर। चलो आनंद निकल गए, अपन भी निकलते हैं। ये होटल यहाँ पे स्टे किया था। चलो सर, बाय बाय। अभी अपन बिलासपुर से निकले हैं, अभी आज का अपना टारगेट अभी तक डिसाइड नहीं हुआ क्योंकि आनंद के गाड़ी का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। सो अभी हम लोग जा रहे हैं आनंद का गैरेज में, पहले आनंद के गाड़ी का काम करने के लिए, फिर वहाँ से हम लोग निकलेंगे। सो अभी देखते हैं कितना टाइम लगेगा क्योंकि उसके शॉकअप से पूरा ऑयल लीकेज हो रहा है। सो लेट्स सी कितना वक्त जाता है अभी उसमें। पहले गैरेज के चल, गैरेज निकल, पहले गैरेज चल। ब्रेकफास्ट स्किप करने का पर्पज़ यही है कि उसके गाड़ी का मेन काम है पहला, वो इम्पोर्टेंट है, वो हो जाए उसके बाद बाकी खाना पीना देख लेंगे बाद में, उसमें इतना कोई दिक्कत नहीं है। मेन गाड़ी होनी चाहिए क्योंकि और अपने को 1700 किलोमीटर खींचना है, और एक दिन रुकने का मन था वही होटल में, बट अपने पास उतना टाइम नहीं है। सो वी स्किप दैट। चंडीगढ़ यहाँ से 140 किलोमीटर बता रहा है, तो हम लोग अभी ऑलमोस्ट चंडीगढ़ क्रॉस करके, हरियाणा क्रॉस करके हम लोग राजस्थान आज एंटर करेंगे, ये हमारा टारगेट रहेगा। फिर राजस्थान से हम लोग गुजरात एंड देन गुजरात से मुंबई, ऐसा कुछ हमारा ओवरऑल जर्नी रहेगा। सो गाइस चलो अभी गैरेज में मिलता हूँ मैं आपको। सो निखिल फाइनली वेलकम इन पंजाब, पहुँच गए पंजाब, अभी रास्ता अच्छा मिलेगा। हाँ अभी अपना सा लग रहा है कुछ। हाँ यार वो साला वो पहाड़ी में एकदम बोर हो गया है रास्ते में, और रास्ता भी ढंग का नहीं था। अभी चल ठीक है, अभी रास्ता अच्छा है ना, अपन खींच सकते हैं आराम से। अभी इधर ही खाना खाते एकदम मस्त तगड़ा वाला। सो गाइस अभी अपन पंजाब एंटर कर चुके हैं, और अभी अपन सुबह का ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया था क्योंकि आनंद की गाड़ी का थोड़ा काम था, तो फाइनली गाड़ी का काम तो हुआ नहीं। तो हम लोग ने सोचा था कि एक बार हिमाचल क्रॉस कर लेते, तो कुछ 40 किलोमीटर का पैच था, तो हम लोग ने वो पैच कवर कर लिया और अभी हम लोग पंजाब में एंटर कर चुके हैं। पंजाब में हम लोग अभी बॉर्डर पे ही एनके टूरिस्ट ढाबा करके एक है, वहाँ पे हम लोग ने लंच का ही ऑर्डर दे दिया क्योंकि ब्रेकफास्ट अभी करना मतलब नहीं था, इसके लिए हमने लंच का ऑर्डर दे दिया, शाही पनीर बोल दिया है और मिक्स वेज और रोटी और राइस कुछ ऐसा ऑर्डर दे दिया हम लोग ने। तो यहाँ से हम लोग पहले लंच फिनिश कर लेंगे, उसके बाद आगे यहाँ पे तो हिमाचल में किधर उसका गाड़ी का काम हुआ नहीं, तो पंजाब में ज़्यादा करके बुलेट का बहुत काम होता है, तो पंजाब में ही हम लोग उसे गाड़ी का काम कर लेंगे, आधा एक घंटा उसमें चला जाएगा, उसके बाद हम लोग आगे का ट्रैवल कंटिन्यू करेंगे। तो बाकी सब बातें करते एक बार पेट पूजा कर लेते हैं, उसके बाद फिर अपन आगे की बात कंटिन्यू करते, बाकी बातें करेंगे ऑन द वे। सी यू देन। सो गाइज अपना अभी लंच ऑलमोस्ट हैज बीन डन, अभी यहाँ से निकलना है। हम लोगों ने जो हॉल्ट किया था इट्स नियर एनके टूरिस्ट, आप देख सकते हो ढाबा, यहाँ पे रुके थे, यहाँ पे हम लोग खाना खाए। अभी किधर रुकने का कुछ प्लान नहीं है, अभी डायरेक्टली निकलना है अपने को सीकर की तरफ। आज अपना मोस्ट ऑफली सीकर का ही प्लान है। सो आज अपन राजस्थान एंटर करेंगे, पंजाब हरियाणा और दोनों बॉर्डर क्रॉस करके अपन राजस्थान में आज एंटर करेंगे। तो चलो बाकी सब बातें अपन बाइक पर कर दें। सी यू देन, बाय बाय। अभी निकलते हैं यहाँ से, रूपनगर से हम लोग निकलेंगे अंबाला के रोड से, हम लोग जो जैसे आए थे वही रोड से जाने वाले हैं। तो अभी रूपनगर पहुँच गए हम लोग, आनंद का वेट कर रहा हूँ मैं, आनंद निकल का यहाँ से, अभी सीधा हम लोग को ब्रिज लेना है फोटो चंडीगढ़।
सो गाइज अभी अपन रॉयल एनफील्ड शोरूम में है, इट्स इन पंजाब। एनफील्ड शोरूम आने का पर्पज़ ये था कि आनंद का गाड़ी ख़राब हो गया इन्हें से, उसके शॉकअप से ऑयल लीकेज हो रहा है, मैंने आपको सुबह बताया था। तो लोकल गैरेज से करने से बेटर हमने सोचा कि या तो शोरूम में करा लेंगे। तो अभी हम लोग आए शोरूम में रॉयल एनफील्ड, ये है नांगल रोड, रोपड़ में नांगल रोड पे हम लोग हैं अभी। सो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट हाईवे से निकलने वाले अम्बाला रूट से हिसार की तरफ, और आज हमारा स्टे रहेगा सीकर में। अभी गाड़ी तो आनंद की धोखे हो गई है, ऑलमोस्ट एक घंटा हो गया, हम एक घंटे से इधर ही बैठे हुए हैं। अभी गाड़ी का काम चल रहा है, आपको मैं दिखाता हूँ। यस, आनंद देख रहा है उसी गाड़ी को, और यहाँ आनंद की गाड़ी उधर, उसका काम चल रहा है। ये कुछ हमारे दोस्त लोग जो अभी नए सब्सक्राइबर्स हुए हमारे, और यहाँ पे हम लोग ऐसे बैठे हुए पंजाबी गाना सुन रहे हैं। इसका मेरे को कॉपीराइट तो नहीं आएगा ना, पता नहीं गाना यूज करो तो कॉपीराइट भी आ सकता है। सो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इसके अंदर आ गया तो कॉपीराइट लग जाता है। सो गाइस अभी इसका गाड़ी का काम हो जाए एक बार, फिर निकल रहे हैं यहाँ से। बाकी अपडेट मैं आपको देते रहता हूँ कैसा क्या होता है उसका। सो फाइनली गाइस अपने को गाड़ी मिल गई है हाथ में, अपने आ गई है अभी। और आपका नाम जी? हरप्रीत सिंह। तो हरप्रीत सिंह जी हमारा बहुत काम कर दिया, और देख रहे हो आप पूरा शॉकअप पूरा नया डाल दिया, और गाड़ी भी चकाचक धो दी है। ये लगी नहीं रही गाड़ी लदा गई थी, तो हमारी गाड़ी को देखो और ये गाड़ी को देखो कितना फ़र्क तुमको दिखेगा। बट ठीक है, अपना काम भी हो गया, और बिल भी कितना हुआ, 660 बिल भी अपना 660 रुपीज़ हुआ, और पूरा नया शॉकअप डाल के और ऑयल डाल के पूरा काम टकाटक कर दिया फिर भाई ने। और हम लोग यहाँ पे रोपड़ के इधर ही है। और सर जी आपका नाम? बरबीर सिंह जी ने भी हमारे बहुत मदद की और हमारा काम आसान कर दिया, हमको एक घंटे में फ्री कर दिया। चलो थैंक यू सो मच सर जी, मिलेंगे जल्दी। आनंद अभी तेरा गाड़ी फटाफट लोड करो, निकल दें यहाँ से। सो गाइज हम लोग अभी रोपड़ में रुके थे रॉयल एनफील्ड शोरूम में। सो आनंद की वजह से मैंने आपको बताया कि आनंद का गाड़ी का थोड़ा काम चल रहा था, तो शॉकअप पूरा हम लोगों ने चेंज कर दिया, और सारा प्रॉपर फ्रॉम सर्विस मिल गया हम लोग को, एक घंटे में हम लोग फ्री हो गए। सो थैंक्स टू रमन जी, इनका साथ मिला थोड़ा, इसके लिए काम हमारे सॉल्व हो गया। अपन मिलेंगे जल्दी, बस काम रहेगा तो प्लीज़ आप मुझे मेरा यूट्यूब चैनल आप ले लीजिए, वहाँ पर आप मुझे ये कर देना, मैं ये ओके सर, तो आपको ठीक है। सो थैंक यू सर। चलो फाइनली ब्रिज ले लिया हम लोग ने, पंजाब आए, बट पंजाब में हम लोग ने लस्सी नहीं पी है। गलत बात। तो अच्छा लगता है किसी और, मतलब ऐसे नॉन पर्सन से आप मिलो और उनसे थोड़ा आप घुल मिल के बात करो। अभी अपना चंडीगढ़ 40 किलोमीटर है, करौली 15 किलोमीटर है। अपने को चंडीगढ़ तो जाना नहीं है, अपने को उसके पहले ही राइट लेना है जो जाएगा अपना अजमेर की तरफ। पंजाब की खासियत चारों तरफ ग्रीनरी और बीच में सड़क, ये हरियाली जो है ना, ये पंजाब की खुशी है जो बहुत अच्छी लगती है, जो हम लोग दिल से फील करते हैं। लास्ट ब्लॉग अगर आपने देखा होगा मेरा, जब मैंने पंजाब एंटर किया तब जो एक्साइटमेंट था उससे कहीं ज़्यादा, उससे इंटू टू आप बोल सकते हो एक्साइटमेंट आज है, जब मैं आज फिर से पंजाब में एंटर हुआ हूँ। और उतना बुरा भी लगेगा जब हम लोग पंजाब छोड़ेंगे, तो फील भी होगा वो चीज़, क्या करें, जाना है।
गाइस अगर अभी तक आपने वीडियो देखा है और आपको पसंद आया है तो डू लाइक शेयर कमेंट और ज्यादा से सब्सक्राइब जरूर कर देना, और ऐसे ही अपने ब्लॉग्स आते रहेंगे, अपने वीडियोस। अभी तक तो अपना सफर बाकी है मुंबई तक का, बट स्टिल एंजॉय करना पूरा जर्नी अपना और लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। सो गाइस अभी 7:30 हुए, अभी थोड़ा हम लोग ने 5 मिनट का ब्रेक, सीधा ही सर जाते हैं अभी। सो अभी अभी हम लोग ने 5 मिनट का ब्रेक लिया था थोड़ा गाड़ी को रिलैक्स करने के लिए। 140 किलोमीटर मारा गाड़ी, थोड़ा 5 मिनट का ब्रेक गाड़ी को, और तब तक यहाँ से ढाबे से हमने कुछ खाया भी और हमारे पास कुछ प्रोटीन बार थे वो खा लिए। अभी निकलते हैं, अभी यहाँ से निकलते हैं। अपने को हिसर यहाँ से कुछ 98 किलोमीटर बता रहा है, सो अभी हिसर रुकेंगे 98 किलोमीटर के बाद, और उसके बाद आगे चुरू या सिकर, दोनों में से एक प्लान करेंगे। खतरनाक वाला यहाँ पे आग लग गया, ओ हो माय गॉड क्या हो रहा है, ये वहां पे भी आग लग गया। दो जगह बिजली खराब, बिजली जल गई है। नहीं कितने सारे देखना, ये पंछी छोटे छोटे आते ना, बहुत आँख में जाते हैं मेरे, पकड़ ऐसा। सो गाइज अभी अपन हिसार में है, एक्चुअली अपन ने आज थोड़ा जर्नी तो अपन ने प्रॉपर स्टार्ट किया था अपना बिलासपुर से, बट आनंद का गाड़ी का काम, हम लोग रॉयल एनफील्ड शोरूम गए थे इसके लिए थोड़ा वहाँ पे डिले हो गया, इसके लिए पूरा हमारा शेड्यूल ख़राब हो गया, 3 घंटा हमारा वहाँ पे ही चला गया। 4 बजे हम लोग ने वहाँ से जर्नी स्टार्ट किया, सो अभी करीबन कुछ 9 बजे है, तो हम लोग ने करीबन रूपनगर से यहाँ तक 250 किलोमीटर हम लोग ने वन शॉट खींचा। तो खींचने का पर्पज़ भी यही था कि थोड़ा जल्दी पहुँचना था, और प्लस रास्ता इतना स्मूथ था तो चलाने के लिए बहुत ख़तरनाक मज़ा आई। तो हम लोग ने पंजाब छोड़ा, पंजाब से हरियाणा आ गया, हरियाणा से अभी हम लोग मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग राजस्थान में एंटर कर लेंगे। हाईवे पे यहाँ पे कुछ भी बात करने के लिए था नहीं लाइट, इसके लिए मैं देसी जुगाड़ निखिल का फॉग लैंप लगाया हुआ, फॉग लैंप से मैं बात कर रहा हूँ थोड़ा फोकस आने के लिए। बाकी हालत बहुत ख़राब हो गई है अभी, और अपने को 50-60 किलोमीटर खींचना है, और हम लोग चरू में रुकने का प्लान कर रहे हैं। सो लेट सी, आनंद का वेट कर रहे हैं, तो आनंद एक बार आता है उसके बाद हम लोग डिसाइड करते क्या करना है। सो गाइज अभी डायरेक्टली अपन घर पे ही मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ बात करने के लिए ऑप्शन है नहीं। टिल देन गाइज लव यू ऑल एंड बाय बाय। सो गाइज अभी अपन रॉयल एनफील्ड शोरूम आए थे एक्सचेंज चरू।